लिखित मुनि की सच्चाई। संकोर लिखित नाम के दो मुनि थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों अलग अलग आश्रम बनाकर रहते थे और भगवान का भजन करते थे। ये दोनों मुनि धर्मशास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। इन्होंने समृद्धियाँ बनाई हैं। शंख मुनि बड़े भाई थे और लिखित मुनि छोटे भाई। एक बार लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि से मिलने उनके आश्रम में गए। शंख मुनि उस समय वन में गए थे। लिखित मुनि भूखे थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के आश्रम के वृक्षों में से एक वृक्ष का एक पका हुआ फल तोड़ा और उसे खाने लगे। इतने में शंख मुनि वहाँ आए। अपने छोटे भाई को आया देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु लिखित मुनि के हाथ में फल देखकर उन्हें कुछ खेद भी हुआ। उन्होंने पूछा, लिखित यह फल तुम्हें कहाँ मिला है? लिखित मुनि ने कहा, भैया यह तो आपके आश्रम के वृक्ष से मैंने तोड़ा है। शंख मुनि बोले, यदि कोई किसी दूसरे की वस्तु उससे बिना पूछे ले ले तो उसका यह काम क्या कहा जाएगा? लिखित ने कहा, उसको यह काम चोरी कहलाएगा। शंख ने फिर पूछा, कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? लिखित बोले, उसे राजा के पास जाकर अपना पाप बता देना चाहिए और पाप का जो दंड मिले उसे भोग लेना चाहिए। दंड भोगने से पाप के दोष से वह शुद्ध हो जाता है। यदि वह इस लोक में पाप का दंड न भोग ले तो मरने पर यमराज के दूत उसे पकड़ कर नरक में ले जाते हैं और बहुत दुख देते हैं। शंख मुनि ने कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे आश्रम के वृक्ष से फल लेकर चोरी का पाप किया है। अब तुम राजा के पास जाकर इस पाप का दंड ले लो और तब यहाँ आओ। लिखित मुनि वहाँ से चलकर राजा के पास पहुँचे। वहाँ राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वह स्वागत सत्कार करने लगा, किंतु लिखित मुनि ने राजा को अपना सत्कार नहीं करने दिया। उन्होंने अपना अपराध बताकर कहा, आप मुझे दंड दीजिए। राजा ने कहा, राजा जैसे दंड देता है वैसे ही अक्षमा भी कर सकता है। मैं आपका अपराध अक्षमा करता हूँ। लिखित मुनि बोले, धर्मशास्त्र के नियम मुनि लोग मनाते हैं, राजा को तो प्रजा के उन नियमों का पालन करना चाहिए। मैं तुमसे अक्षमा लेने नहीं आया, दंड लेने आया हूँ। मेरे बड़े भाई ने स्नेह वंश मेरा कर्तव्य सुझाकर मुझे यहाँ भेजा है, मुझे अपराध का दंड दो। राजा को मुनि का हठ मानना पड़ा। उन दिनों चोरी के अपराध का दंड था चोर के दोनों हाथ काट देना लेना। हाँ, राजा की आज्ञा से जल्लाद ने मुनि के दोनों हाथ काट लिए। हाथ कट जाने से लिखित मुनि को कोई दुख नहीं हुआ। वे बड़े प्रसन्नता से शंख मुनि के आश्रम पर लौट आए और बोले, भैया मैं अपराध का दंड ले आया। शंख मुनि ने छोटे भाई को हृदय से लगाया और बोले, तुमने बड़ा अच्छा किया, आओ अब स्नान करके दोपहर की संध्या करें। नदी के जल में स्नान करके जब तर्पण करने के लिए लिखित मुनि ने कटे हाथ आगे किए तो झट उनके हाथ है पूरे निकल आए। वे समझ गए कि यह उनके बड़े भाई की कृपा का फल है। उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा, भैया जब मेरे हाथ है उगा ही देने थे तो आपने ही उन्हें यहाँ क्यों नहीं काट लिया? शंख मुनि बोले, दंड देना राजा का काम है, दूसरा कोई दंड दे तो उसे पाप होगा, लेकिन कृपा करना तो सदा ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दिए हैं। बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु लेना चोरी है, यह बात इस कथा से भली प्रकार समझ में आ जाती है। धन्यवाद।